अगेन बेटे 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें डीकम्पोज होके 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है और 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का दे रही है। ये मोल्स में गिवन है, ये आपको ग्राम्स में गिवन है। आपने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। अगर इक्वेशन को ध्यान से देखो तो 84 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको 40 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो किस में से बन रहा है, 84 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट से। 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म बाय 84 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। हमें क्या निकालना है, अगर 1 ग्राम में निकालें तो 84 डिवाइडेड बाय 40, हमें निकालना है 4 ग्राम, हमें निकालना है 4 ग्राम। तो 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें कितनी कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिलेगी, दैट इज इतने अमाउंट। ओके, अगर मेरे पास मींस 8.4 ग्राम अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो आई विल गेट 8.4 ग्राम। तो 8.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का मुझे 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, मगर इक्वेशन में मुझे गिवन है कि 10 ग्राम मुझे 4 ग्राम दे रहा है। मतलब अगर मैं ज़्यादा ले रही हूँ ना तब मुझे 4 ग्राम मिल रहा है, 8.4 ग्राम से 4 ग्राम नहीं मिल रहा। मीन्स मैंने अमाउंट बढ़ा दिया। हमने 0.1 से क्या करना है, हमने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर मैं परसेंटेज प्योरिटी निकाल लूँ, परसेंटेज प्योरिटी बेटी कैसे निकालेंगे कि कितना अमाउंट हमें दे रहा है, गिवन अमाउंट कितना है, डिवाइड इन टू हंड्रेड एंड दिस विल गिव यू 84% प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके बेटे, 84% प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपसे पूछा गया परसेंटेज प्योरिटी मैग्नीशियम कार्बोनेट की। आपने हमें बताया पहले कि हमें जी मैम 84 ग्राम अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट मैं लेता हूँ तो मुझे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है 40 मिलती है। तो अगर अगर मुझे 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिल रहा है तो इसका मतलब मैंने इनिशियल में 8.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया होगा। अगर 8.4 ग्राम से 4 ग्राम मिल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटे 10 ग्राम से 4 ग्राम मिल रहा है, इसका मतलब हमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बाकी उसमें क्या प्रेजेंट है, प्योर इम्प्योरिटीज़। तो कितना परसेंटेज प्योर है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, दैट इज 84% प्योर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके, नाउ इट इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके बेटे, सो यू आर गिवन विथ KCLO3, दैट इज पोटेशियम क्लोरेट, ऑन हीटिंग डीकम्पोज टू KCl एंड O3। ऑब्वियसली KCl एंड O2, ठीक। वट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP लाइब्रेटेड बाई 0.1 मोल ऑफ KCLO3। अभी कह रहे हैं कितना ऑक्सीजन आपको मिलेगा, हाउ मच ऑक्सीजन यू विल गेट इफ यू आर हैविंग हाउ मच 0.01 मोल ऑफ KCLO3। अब अगर इसको ध्यान से देखो बेटे, अगर हम इसको बैलेंस करें, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड, फर्स्ट आई विल बैलेंस इट, इट इज़ 2। ओके, 2 मोल्स मतलब टोटल देयर आर 2, 3 आर 6, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 2, ठीक।
हम ये देख रहे हैं कि हमें 2 moles ऑफ KCl3 हमें 3 moles ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, 3 moles ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, मगर हमने बेटे वॉल्यूम निकालना है. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. देखो अगर 2 moles 3 moles ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं तो आपको पता है बेटे 1 mole में कितना वॉल्यूम होता है, दैट इज 22.4 liter. और 3 moles में कितना वॉल्यूम होगा, 3 × 22.4 liters, तो यू विल बी गेटिंग 67.2 liters. मीन्स 2 moles आपको इतना वॉल्यूम दे रहे हैं बेटे, 2 moles यू आर गेटिंग दिस मच ऑफ द वॉल्यूम. क्योंकि इक्वेशन अगर हम बैलेंस करते हैं, अगेन आई रिपीटिंग, तो हमें दिख रहा है 2 moles से 3 moles ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है. अब 1 mole में 22.4 liters होता है, तो 3 moles में कितना लीटर्स होगा, इतना लीटर्स होगा. मीन्स अगर 2 moles में KClO3 लेती हूँ तो मुझे 67.2 liters मिलता है. ठीक है, सो 2 moles ऑफ KClO3 इज गिविंग मी ऑक्सीजन, दैट इज 67.2 liters. तो 1 mole ऑफ KClO3 will be giving me this much of the volume. और मुझे पूछा गया है what will be the volume of oxygen at NTP liberated if I have 0.1 mole. अगर मेरे पास 0.1 mole of KClO3 है तो मुझे कितनी oxygen in the volume मिलेगी, इतनी oxygen मिलेगी कि नहीं मिलेगी, that is 3.36 liters. getting my point? So this is, we have converted mass into the volume, your moles into the volume. getting my point bete? Doing one of this type, that is mass volume relationship again. What volume of air at NTP contain 21% oxygen by volume is required to completely burn 1000 gram of sulfur containing 4% of incombustible matter. दोबारा से बेटे पहले क्वेश्चन को समझो, फिर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट. कहते जी व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट एनटीपी, ठीक, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर है, आपने एनटीपी भी लिया है. What volume of air containing 21% oxygen by volume? इस air में 21% of oxygen emitted by volume. This air is consisting of 21% of oxygen by volume. अब इतना oxygen है, आप इतनी air है आपके पास कि इसमें 21% oxygen है. वो कहते कितनी required होगी, is required to completely burn. अगर आपके पास 1000 gram of sulfur is required, burn 1000 gram of sulfur, आपके पास sulfur है 1000 gram, उस sulfur में 4% ऑफ इनकम्बस्टिबल मटीरियल है, मीन्स जिसको आग नहीं लग सकती. आपने कम्बशन में आग ही लगानी है, सल्फर को रिएक्ट ही करना है. आपने क्या करना है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है और सल्फर डाइऑक्साइड बनानी है बेटे, यही तो हमने काम करना है. और अब ये जो सल्फर लिए हमने 1000 ग्राम लिए, उसमें से जो 4 ग्राम है वो रिएक्ट नहीं कर सकती, वो इनकम्बस्टिबल है. और जो ऑक्सीजन आपने ली है, जो एयर ली है, उसमें 21% ऑफ ऑक्सीजन है. तो पहले तो जो रिएक्ट नहीं कर रही है उसको हम निकाल दें. ठीक है, टोटल मास हमने लिया, टोटल मास जो सल्फर का लिया, दैट इज 1000 ग्राम. उसमें से बेटे 4% रिएक्ट नहीं कर रही है, 4% इज नॉट रिएक्टिंग. तो जो इनकम्बस्टिबल है, जो रिएक्ट नहीं कर रहा सब्सटेंस, विच इज़ नॉट रिएक्टिंग, इज 4%. मीन्स 4% ऑफ 1000 × 1000 करें तो रिएक्ट नहीं कर रहा. परसेंटेज को अगर हम डिवाइडेड बाय 100 करें तो कितना रिएक्ट नहीं कर रहा, 40 grams. इसमें से 40 ग्राम रिएक्ट नहीं करेगा, जितना भी आपने टोटल मास सल्फर का लिया. ठीक है, तो रिएक्ट कितना करेगा, 100 माइनस
4960, मतलब जो आपने सल्फर ली है 1000 ग्राम ली है, आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवानी है बेटे, उसमें से 40 ग्राम तो रिएक्ट ही नहीं कर रही है, 40 ग्राम इज नॉट रिएक्टिंग, तो रिमेनिंग क्या होगी, 960 ग्राम रिएक्ट करेगी। अब हम आगे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ें, अगर हमारी इक्वेशन क्या कहती है, हमारी इक्वेशन ये कहती है कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सल्फर कितने ग्राम, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑफ सल्फर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो हमें क्या मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्योंकि हम मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप ले रहे हैं, तो अगर मैं 1 मोल ये मानूँ, तो 1 मोल ये मानूँ, तो 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम्स, मीन्स 22.4 लीटर्स। अब 32 ग्राम ऑफ जो हमारी सल्फर है तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हमने देख लिया, कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दिस इज 22.4 लीटर्स। 1 ग्राम ऑफ सल्फर को कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 22.4 अपॉन 32, हमने निकालना है 22.4 लीटर्स में, सॉरी हमने कितने में निकालना है, कितनी सल्फर है हमारी 960 ग्राम, हमें 960 ग्राम ऑफ सल्फर को कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा, इतना यू विल बी कैलकुलेटिंग एंड यू विल बी गेटिंग दिस मच वैल्यू। ठीक है बेटे, अगेन आई रिपीटिंग, आपको मैंने 1000 ग्राम सल्फर दी, उसमें से आपको मैंने बोला बेटे जी आपके पास 1000 ग्राम सल्फर है, आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवानी है, उसमें से 4% जो है रिएक्ट नहीं करेगा, तो रिएक्ट कितना कर रहा है, 960। अगर इक्वेशन को देखें तो हमें 32 ग्राम जब ऑक्सीजन सल्फर होती है तो हमें इतना लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, अगर हमारे पास 960 ग्राम ऑफ सल्फर है अब तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए बेटे, इट इज 672 लीटर्स। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ो, उन्होंने स्टार्टिंग में हमें क्या दिया था, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट एनटीपी कंटेन 21%, जो आपको एयर का वॉल्यूम मिला है उसमें सिर्फ एंड सिर्फ 21% आपकी ऑक्सीजन है, 21%, ठीक है, 100% से 21% ऑक्सीजन है, मींस अगर 21 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितने में है, 100 लीटर ऑफ एयर में, तो ये मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास, इसको ऐसे समझो, 100 लीटर ऑफ एयर है बेटे, उसमें ऑक्सीजन कितनी है, 21 लीटर, 21 लीटर, तो 21 लीटर किस में प्रेजेंट है, 100 लीटर ऑफ एयर में, 100 लीटर ऑफ एयर में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑक्सीजन कितने में प्रेजेंट होगी, 100 अपॉन 21, हमें कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए इसको बर्न करने के लिए, हमें 960 को बर्न करने के लिए इतने लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो इतने लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितने अमाउंट ऑफ एयर में होगी, अगर आप मल्टीप्लाई विद 672 कर दो तो आपको 3200 लीटर ऑफ एयर चाहिए, अगर आप 960 ग्राम की सल्फर की कंबशन करवाते हो। एनी डाउट बेटे, एनी डाउट बेटे, हाँ जी जी रितेश बोलो बेटे, मैम वो कितनी कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए वो समझ नहीं आया बेटे। देखो अब आप ना, यू विल नॉट म्यूट योरसेल्फ, यू आर अनम्यूटेड जीवितेश, जस्ट रेज योर हैंड, जीवितेश रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ, और आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे, ओके ओके जीवितेश। हाँ अब समझो, आपको 960 निकल गया, आपको पता चल गया कैसे आया, हाँ 960 ग्राम के लिए हमें ऑक्सीजन 672 लीटर चाहिए, समझ आ गया कैसे आया,
यस मैम। हाँ, अब आपको ये गिवन है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, आपको एयर कितनी चाहिए एट एनटीपी अगर उसमें कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन, कि आप अगर 960 ग्राम ऑफ सल्वर को बर्न करते हो तो आपको एयर कितनी चाहिए। आपसे ऑक्सीजन ही पूछी गई, आपसे एयर पूछी गई है, पर हमें एयर का कौन सा पार्ट यूज करना है? ऑक्सीजन ही तो यूज करना है कंबस्ट करने के लिए कि नहीं? यस मैम। ना, तो हमें ये स्टार्टिंग में दिया गया है कि 21% ऑफ ऑक्सीजन हमारे एयर में, जो आप एयर सप्लाई कर रहे हो उसमें 21% ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर मैं ज्यूम करूं, अगर मेरे पास 100% में से कितनी परसेंटेज अवेलेबल है, 21 और नॉट, है ना? तो 100% की जगह पे मैं 100 लीटर लिख सकती हूँ। यस मैम। 100 लीटर्स में बेटे मेरे पास 21 लीटर की ऑक्सीजन है, अगर मेरे पास 100 लीटर ऑफ एयर है तो मेरे पास ऑक्सीजन कितनी है बेटे, 21 लीटर्स और नॉट, है ना? तो 21 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन है जब मेरे पास 100 लीटर ऑफ एयर है। तो अगर मुझे इतनी ऑक्सीजन चाहिए इतने सल्फर को बर्न करने के लिए, गेटिंग माई पॉइंट, है ना? तो अगर अगर मुझे कितनी फिर मुझे एयर चाहिए होगी, मतलब 672 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितने अमाउंट ऑफ एयर में होगी, दैट इज 3200। अगर 21 लीटर 100 लीटर में है तो 672 लीटर जो ऑक्सीजन है वो कितने लीटर्स ऑफ एयर में होगी? गॉट द पॉइंट जीवितेश? यस मैम। ठीक है, 100 लीटर्स में 21 है, 21 है, तो मुझे 20, अगर मुझे 960 ग्राम ऑफ सल्फर बर्न करनी है तो मुझे कितनी ऑक्सीजन की, कितनी अमाउंट ऑफ एयर की, क्योंकि एयर ऑक्सीजन मुझे अकेली अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन मुझे एयर में ही अवेलेबल है, और मुझे चाहिए कि 672 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर 672 लीटर्स तो मैं क्या लूंगी बेटे, आई विल टेक ऑक्सीजन ओनली और नॉट, आई विल टेक एयर ना, तो कितने अमाउंट ऑफ मैं एयर लूंगी, तो वो मेरी 3200 हो जाएगी। सो गॉट द पॉइंट? यस मैम। ओके, एनी मोर डाउट? सो बेटे नेक्स्ट इज वॉल्यूम विद वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम विद वॉल्यूम, आई विल टेक टू मोर मिनट्स, वी कैन कवर दिस टॉपिक, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। What volume of oxygen at NTP is needed to cause the complete combustion of 200 ml of acetylene? Acetylene क्या होता है बेटे? This is acetylene, जिसे आप ethylene कहते थे, this is ethylene, ठीक है? इसकी हमने करवानी है combustion। जब हाइड्रोकार्बन की combustion करवाते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलती है, yet the equation is not balanced. Yet to understand the numerical, I am writing the equation. What volume of oxygen is needed to cause complete combustion? अगर आपके पास 200 ml of acetylene है तो ये पूछ रहे हैं आपको, आपको कितना amount of oxygen is required, ठीक है? Also calculate the volume carbon dioxide form. और इस केस में जब आप 200 ml ऑफ एसिटाइलिन लेते हो तो आपके कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, आपने ये भी बताना है हमें, यू हैव टू टेल दिस वन आल्सो, ठीक है? अब लेट अस फर्स्ट बैलेंस, व्हेन यू विल बी बैलेंस इट यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन हेयर, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हेयर, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हेयर एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर हेयर। ओके बेटे, सो 2 moles of acetylene 5 moles of oxygen के साथ react करता है तो हमें 4 moles of carbon dioxide 2 moles of water देता है। okay बेटे, अगर इसको volume में लें तो Gay-Lussac law ने कहा था कि gases do combine in volume, तो
तो ये मैं कह सकती हूँ कि टू वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलीन फाइव वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, फोर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है और टू वॉल्यूम ऑफ वाटर देता है। गे लुसक लॉ ने कहा था कि गैसेस डू कंबाइन इन द वॉल्यूम। इसी को ही मैं एमएल में कन्वर्ट करूं, अरे